वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम स्टोन पेंटिंग करने वाले हैं। हाँ, अब मैं आपको पहले बता देती हूँ हम उसके लिए क्या चाहिए। फर्स्ट ऑल हमको चाहिए दो, एक लाइट ब्लू स्केच पेन चाहिए और एक ऑरेंज वाला स्केच पेन है। और हमको ये शेड्स भी चाहिए, एक है ऑरेंज, येलो, मैं आपको दिखा देती हूँ, येलो, ब्राउन, ब्राउन बहुत कम यूज करेंगे, एंड और एक ब्लू है। तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट गाइस। मेरे पास येलो है, ऑरेंज है, ब्राउन है एंड ब्लू है। फर्स्ट हम अपना, और हमारे को हमको ये भी चाहिए एक डस्टर, ये डस्टर है। अगर आपको आपके पास डस्टर नहीं है तो आप स्पॉन्ज भी ले सकते हैं। एंड अभी हम पहले स्टार्ट करेंगे। एंड मैंने अभी कोटिंग कर ली है, स्टोन की पूरी कोटिंग कर ली है मैंने वाइट पेंट से। इसमें हम वाइट भी नहीं यूज़ करेंगे। अभी हम ऑरेंज से स्टार्ट करते हैं। ऑरेंज को हम सीधे लास्ट में आएंगे, टैप टैप करेंगे। तो यहाँ हम भी टैप टैप करें, एक मिनट। अभी टैप टैप करके तो मैंने थोड़ा टैप टैप कर लिया। मेरी सॉरी सिस्टर आ गई थी, सोया टैप टैप करके पूरा इधर करना है। ये स्पॉन्ज बहुत गंदा है इसलिए मैं यूज कर रही हूँ। एंड नया नया स्पॉन्ज मत यूज करना, मैं भी पुराना ही यूज कर रही हूँ, सो बेटर क्या नया स्पॉन्ज मत यूज करिए। फिर जब हमारा ये ऑरेंज टैप टैप मैंने कर लिया है, फिर हम दूसरी साइड आ जाएंगे। हमको अब हाइलाइट्स करने, हाइलाइट्स मतलब येलो, हमको येलो को पेंट करना है अच्छे से लाइक ऑरेंज पे, और ब्लेंड करना है। होप आप ब्लेंड करें अच्छे से, नहीं तो जो सीनरी होगी वो थोड़ी गंदी सी लगेगी और वो सीनरी नहीं मानी जाएगी इसलिए। सो मैंने अभी ऐसे कर लिया, डस्टर से कर रही हूँ मैं। आप स्पॉन्ज भी यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास स्पॉन्ज नहीं था तो मैं डस्टर से यूज़ कर रही हूँ। हम थोड़ा और येलो रहेंगे, और येलो मैंने बहुत कम यूज़ करा है तो आप कम यूज़ करना। एंड उसको थोड़ा ज़्यादा टैप टैप करना, और फिर हमको वापस अभी ऑरेंज चाहिए क्योंकि हमने येलो कर लिया। बहुत ही क्यूट, यू नो, मिक्स्ड ब्लेंडेड लगना चाहिए ये, नहीं तो सीमरे होना ही लगेगी। मैंने अभी ऑरेंज मिक्स कर लिया है, बहुत सारे कलर हैं मेरे पास टैप टैप करने के लिए। हाँ, हम अभी ऑरेंज और येलो को मिक्स करेंगे। ऑरेंज और येलो को मिक्स करेंगे कुछ ऐसा कलर, मैं आपको दिखाती हूँ, मैं अभी खुद मिक्स कर रही हूँ ऐसा कलर, ऐसा। हाँ, हम ऐसे करेंगे तो थोड़ा येलो आएगा क्योंकि येलो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको पता ही है हाइलाइट्स बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। फिर हम यूज़ करेंगे ब्लू। ब्लू में हमको, हमने
इधर से बहुत कम ब्लू यूज करना है, जैसे हमने येलो करा था। एंड हाँ, अब हमको ब्लू को ब्लेंड नहीं करना है, हम ब्लू ऊपर ऊपर करेंगे एंड बस इस साइड करना है। इस साइड कर, बट बहुत ही कम, ज्यादा नहीं। एंड अभी हम पूरा ब्लू ब्लेंड कर लेंगे, आपको ब्लेंड करके मिलती, बाय। तो गाइस, दिस इज द फाइनल लुक, कुछ ऐसा है। मैंने ब्लू बहुत ही कर दिया था, बट वो बहुत प्रिटी लग रहा है, सो आई क्वाइट लाइक इट। अब हम इधर येलो नहीं, ब्राउन थोड़ा हाईलाइट में देंगे। तो अभी जब ये ब्लू एंड येलो सूख जाए, डस्टर में कोई जगह नहीं बची है, सब यूज कर लिया और मेरे हैंड्स भी खराब हो गए। तो बेटर आप ग्लव्स पहन लीजिए, क्योंकि मेरे हैंड्स खराब हो गए हैं बहुत सारे। सो बेटर आप ग्लव्स पहन लीजिए। मैंने बीच में वो कर दिया ब्राउन, तो देखते हैं अभी कैसा आएगा। तो ऐसा आएगा कुछ रिजल्ट। इसको ना तुम वाइट से पेंट कर सकती हूँ, कोट कर ले। तो हमने अभी मुझे पिंक कलर चाहिए था बस। तो अभी सिस्टर आ गई है, आपको थोड़ा डिस्टर्बेंस होगा, सॉरी। I like to paint and she also like to paint. So, अब हम सीम नहीं बनाएंगे, हमने अपना पेंट चेंज कर लिया, सॉरी। मैंने आपको सीमरी बनाने करने बोला था कि हमारा सीमरी नहीं बनेगा लाइव, तो हम एक कुछ तो बनाएंगे और वो प्रिटी लगेगा। बट हम वही फोर कलर्स मिक्स करेंगे, मिक्स। अब सारे कलर्स हमको मिक्स करने हैं अपने डस्टर में। थोड़ा सा ब्लू, हाँ, क्योंकि डार्कनेस ज़्यादा नहीं आनी चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया था, डार्कनेस नहीं आनी चाहिए। देखो, अब हमने ब्राउन भी कर लिया, कुछ ऐसा आएगा कलर ब्राउन निश टाइप चॉकलेट। और हम आपको ब्लेंड करना है, मेक श्योर में अगर स्पॉन्ज से करती तो और ज़्यादा ब्लेंड होता, बट कोई बात नहीं, हमारी पेंटिंग बहुत ही सुंदर लग रही है। जब अब ये सूखेगा ना, आपको यहाँ ब्लैक ब्रश चाहिए और एकदम ट्री बनाना है। बट अगर आपको ब्लैक ब्रश नहीं चाहिए, तो आप एक और चीज़ कर सकते हैं। आप एक ब्लैक स्केच पेन लेकर एक ट्री बना सकते हैं, जहाँ पर हमने ऑरेंज करा था, और ऑरेंज थोड़ा गंदा हो गया, हम वापस कर लेंगे इसको, ताकि ऑरेंज दिखना चाहिए। अगर ऑरेंज ही नहीं दिखेगा तो थोड़ा अच्छा नहीं होगा। तो मैंने बहुत सारा ऑरेंज कर दिया है, बट ये ब्राउन दिख रहा है, ये पता नहीं कौन है, क्यों है ऑरेंज ऑरेंज ऑरेंज। हम और करेंगे, ये ब्राउन तो बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए, तो आप मेक श्योर आप ब्राउन मत कर लेना मेरी तरह, जैसे मैंने कर लिया। एंड ब्लू मैंने आपको बोला बहुत कम दिखना चाहिए, तो मैंने ब्लू कम कर दिया है। अब जब ये पूरा ड्राई हो रहा है, मैं आपको ड्राई करके मिलती हूँ उसको, बाय। अगर ये थोड़ा सा भी ड्राई हो गया तो आप कर सकते हैं,
बट अभी ये ड्राई बिल्कुल नहीं हुआ मेरा, थोड़ा अभी है ब्राउन और ये थोड़ा वाटरी है, तो हम इसको सूखने देंगे जब तक मैं आपको बता देती हूँ। हम याले भी कल कर सकते हैं, ये दोनों स्केच में कर सकते हैं। एंड मैं आपको अपनी ब्रश की हालत बताती हूँ, ये रहा मेरा ये, तो आप मेक श्योर बीच में जो ब्राउन है वो मत करना। और हाँ ये बन गया है हमारा कुछ लाइक फ्लैगी टाइप है, बट बहुत ही प्रिटी लग, बहुत ही प्रिटी स्टैंडी सा लग रहा है ये। अब हम पता है क्या करेंगे, अब हम ऐसे करेंगे, हम वाइट आउटलाइन बनाएंगे और इसको गीला रखना थोड़ा। अभी हम ब्लैक लेंगे, स्केच पेन में कलर ब्लैक, तो मैं लेती हूँ हमारे पास ब्लैक नहीं है, ब्लैक ख़त्म हो, तो हम अभी ग्रीन भी कर सकते हैं, ग्रीन ग्रीन नहीं बट हम करेंगे ये ब्लू, ब्लू बहुत अच्छा लगेगा इस चीज़ पर। ऐसे करना है, एंड अगर आपको डिस्टर्बेंस दिखाई होगी तो सॉरी, क्योंकि मेरे को भी डिस्टर्बेंस आ रही है। अब आपको क्या करना है कि हमको लाइंस बनानी है ताकि ये 3D लुक दे। आप वाइट बना लेना, मैंने ब्लू टाइप कुछ बनाई है, वाइट ज़्यादा अच्छा लगेगा ब्लू से, तो मैंने ऐसे ऐसे कर दिया ताकि ये 3D लुक दे रहा है कुछ बेटर। आप और अगर आपको स्केच पेन जो चलता नहीं हो वो लेना, मैंने भी जो चलता नहीं था वो लिया है ना, देखो कुछ ऐसा 3D सा लुक आएगा जो बहुत ही प्रीटी लगेगा। देखो बहुत ही प्रीटी लग रहा है मेरे को, बहुत ही क्यूट सा दिख रहा है। और ये कॉर्नर कॉर्नर पे भी कर लेना, मैंने कॉर्नर पे नहीं करा है, तो थोड़ा अगर आप कॉर्नर पे करेंगे तो अच्छा लगेगा। ये देखो तो हमने ऐसा कुछ कर दिया है, लाइन्स आ रही है, आपको दिखाती हूँ पूरा शॉट्स लेकर। ये है हमारी पेंटिंग, सीमरी टाइप तो नहीं है ये, मेरे को पता है, बट बहुत ही क्यूट लिख रही है। ये मैंने स्टैंप पेंटिंग कर लिया, होप आपको अच्छा लगे, तो या बाय।